हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड कार्बोलिकम के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एसिड कार्बोलिकम पत्थर के कोयले के अलकतरे से चुआया हुआ पदार्थ को पोटेंटाइज करके बनाई हुई दवा है। एलोपैथिक मत से यह सड़न दूर करने वाली और एंटीसेप्टिक दवा है। वास्तव में रक्त दूषित होकर होने वाली सभी बीमारियां जैसे प्योर पेरल जिसको सूती का ज्वर कहते हैं, सेप्टिक यानी सड़न पैदा करने वाली और नालियों की गैस से उत्पन्न विषैले बुखार इत्यादि में इससे बहुत फायदा दिखाई देता है। इसके अलावा सब तरह के बदबूदार जख्म, नाक का जख्म, सड़ा बदबूदार स्राव, ओजिना जिसे पीनस रोग भी कहते हैं, और बहुत सड़ा बदबूदार पाखाना भी इसका विशेष लक्षण है। इपिथिलियोमा, यह स्किन का कैंसर होता है। इसके अलावा प्रूराइटिस यानी खुजली, प्रूरिगो यानी सूखी तेज खुजली है उसके साथ में दाने होना, तथा डिस्पेप्सिया यानी मंदाग्नि के रोगियों को बहुमूत्र और ब्राइड्स डिजीज जिसको कुरंड घटित मूत्र ग्रंथि प्रदाह बोलते हैं, इसके साथ में लैरिंगजाइटिस, स्वरनली का प्रदाह होना यानी सूजन होना, हूपिंग कफ जिसको कुकुर खांसी कहते हैं, थाइसिस जिसको एचमा या ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, इत्यादि बीमारियों में बदबूदार अगर बलगम निकलता है, अजीर्ण होता है, पेट साफ नहीं होता है, खट्टी डकार, गैस यानी पेट से संबंधित तकलीफें होती हैं, शराब पीने वालों को उल्टी होना, गर्भावस्था के दौरान मिचली और उल्टी होना, सड़े बदबूदार दस्त यानी लूज मोशन के साथ खूनी पेचिस होना, एक तरह का सर दर्द जिसमें ऐसा मालूम होता है मानो कपाल के अंदर रबड़ की पट्टी या डोरी बंधी हुई है कपाल पे, माथे के बीच में स्थान में जलन होना, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं क्यूप्रम सल्फ के साथ में, इत्यादि बीमारियों की यह एक लाभदायक दवा है। गर्भस्राव होने या प्रसव के बाद जरायु यानी यूट्रस के भीतर कुछ सड़कर या लोकिया के स्राव में सड़ी बदबू रहने पर एक बोतल कुनकुने पानी में 2x पोटेंसी की 30 से 40 बूंदें कार्बोलिक एसिड को मिला करके योनि में डूस दे करके अगर योनि को धुलवा देने से बदबू जल्दी ही नष्ट हो जाती है और सड़न या सेप्टिक पैदा होने की आशंका दूर हो जाती है। बाहरी तौर से इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और आभ्यांतरिक यानी आंतरिक तरीके से इसको 3 और 6 पोटेंसी में इसका सेवन करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर एनसी घोष लिखते हैं। जख्म, जले घाव या अन्य किसी भी तरह के बदबूदार घाव में वैसलीन, ऑलिव ऑयल जिसको जैतून का तेल कहते हैं, या ग्लिसरीन में मिलाकर मरहम बनाने का तरीका है कि 1 औंस में 2x पोटेंसी की 15 से 20 बूंदें डालने पर इसका मरहम बन जाता है। लगाने और इसकी से 6 या 3 पोटेंसी को अंदर से सेवन कराने से तुरंत फायदा होता है। पाकस्थली के कैंसर की बीमारी में कार्बोलिक एसिड से लाभदायक होता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस और हैजा, पाकाशय यानी स्टमक और आंत्राशय प्रदाह यानी आंत में सूजन और हैजा यानी डायरिया में पानी में रखे बासी भात के पानी या चावल के धोवन के पानी की तरह और सड़े अंडे की तरह बदबूदार दस्त होना, रक्त और आँव मिले दस्त होना,
दस्त में इतनी बदबू होती है मानो पेट के भीतर वाले सभी पदार्थ सड़कर बाहर निकल रहे हैं। सोए सोए अनजान में ही पाखाना हो जाना, रोगी बेतरह कराहता रहता है और छटपटाता है, रह रहकर चिल्लाकर रो उठता है। एपिस में भी यह लक्षण है, परंतु उसमें प्यास नहीं रहती है और उसके कह दस्त का रंग भी अलग ही होता है। कार्बोलिक एसिड कितने ही स्थानों में शिशु विसूचिका में अत्यंत लाभदायक होता है। बच्चों को जो कह होती है उसमें रंग हरा या काला रहता है, पेशाब गंदा काला या हरे रंग का। बच्चों के गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी पाकाशय यानी स्टमक और आंतों में सूजन नामक बीमारी में रोगी अक्सर मारात्मक हो जाता है, मतलब मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाता है। इस रोग में ऊपर लिखे लक्षणों के साथ यदि वमन यानी उल्टी, ज्वर हो, छटपटाहट इत्यादि रहे तो कार्बोलिक एसिड बराबर लाभ पहुंचाता रहता है। श्वेत प्रदर यानी ल्यूकोरिया, छोटी छोटी बालिकाओं का श्वेत प्रदर होना, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कैनाबिस सैटिवा और कैलेडियम के साथ में। ज्वर में यानी फीवर में इसका इस्तेमाल, मलेरिया, सबिरवाम ज्वर, प्लीहा जनित हिमा बुखार इत्यादि सब तरह के ज्वरों में इसका प्रयोग होता है। कार्बोलिक एसिड दूषित गैस से उत्पन्न सभी बीमारियों की यह महा औषधि है। खांसी, लगातार खुसखुसी, कष्टदायक खांसी में, फिर चाहे वह ब्रोंकाइटिस हो यानी वायुनली का प्रदाह हो, लैरिंगजाइटिस हो स्वरनली का प्रदाह हो, थायसिस हो यानी यक्षमा जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जिस किसी भी बीमारी के साथ क्यों न हो, एसिड कार्बोलिक लाभ पहुंचाता ही है। होपिंग कफ में कार्बोलिक एसिड छठी शक्ति का प्रथमावस्था में मतलब प्रारंभिक अवस्था में प्रयोग करने से प्रायः उसी से घट जाती है, बाद में काष्ठकम देने पर पूरी तरह से आरोग्य हो जाता है। चेचक रोग, चेचक रोग की चिकित्सा की गड़बड़ी के कारण चेचक के निकलते ही बहुत से रोगियों के घाव में कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें से इतनी सड़ी गंध निकलती है कि उसके पास नहीं जाया जाता। जिस घर में रोगी रहता है उस घर में घुसते ही वो काई आने लगती है। ऐसे मरणासन्न रोगी को कार्बोलिक एसिड की छठवीं शक्ति 2-4 घंटे के अंतर से तब तक देनी चाहिए जब तक फायदा न हो। नित्य 6-7 मात्रा सेवन कराते रहना चाहिए और एक पाउंड ऑलिव ऑयल में या सलाद ऑयल में 2-3 ग्राम 2x पोटेंसी की कार्बोलिक एसिड या 1 औंस में 15-20 बूंद मिला करके उस तेल को मिशन को लगाकर रोगी के जख्म पर लगाने से प्रायः 2-3 दिन में बदबू घट जाती है और चेचक के चिकित्सक द्वारा त्यागा हुआ मृतवत रोगी भी फिर से जी उठता है। इसकी हम कितनी ही बार परीक्षा कर चुके हैं। यदि चेचक की गोटियां थोड़ी निकलकर फिर न निकले और उसकी वजह से विकार पैदा हो जाए या पतनावस्था हो यानी शीत आ जाए तो इस दवा की 30 या 200 शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इसको कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों आर्सेनिक और क्रियोजोट के साथ में, बदबूदार रस वाले जख्म में मर्कसॉल और सल्फर के साथ में। इसका ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है 6 और 30 पोटेंसी। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज कार्बोलिक एसिड के बारे में। आज हम बात कर रहे थे मेटेरिया मेडिका जो लिखा हुआ है डॉक्टर एनसी घोष ने, कंपेरेटिव मेटेरिया मेडिका एंड थेरेप्यूटिक्स इस पुस्तक से। तो ये जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा ले सके। दोस्तों इसमें कुछ परिवर्तन आप चाहते हैं तो ज़रूर इस पर कमेंट करें ताकि मुझे और बेहतर करने की प्रेरणा आप लोगों से मिल सके। दोस्तों तो फिर मिलते हैं इसके आगे के मेडिसिन के बारे में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।